हरियाणा के हिसार में गैंगस्टर की रात 2 बजे घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विकास था और वह 2 बच्चों का पिता था। युवक के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह कुछ दिन पहले ही पेरोल पर आया था। 2 गैंग में पुरानी रंजिश के चलते ही हत्या की गई। मृतक विकास के पिता जयवीर पहलवान की भी कुछ साल पहले हत्या की गई थी। मृतक की पत्नी नैना ने बताया कि हमलावरों से पति को बचाने के लिए बच्चों ने भी जोर आजमाइश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। दीवार से घर में दाखिल होने की घटना का CCTV फुटेज मिल गया है। हमलावर की संख्या 7 है और वे कुल्हाड़ी और अन्य तेजधार हथियार लेकर सीढ़ी के सहारे घर में दाखिल हो रहे हैं। विकास अपने परिवार के साथ सो रहा था। तड़के 2 बजे के करीब 7 हमलावर आ गए। वे 8 फीट लंबी फोल्डिंग वाली सीढ़ी से मकान में घुसे। दीवारों पर कांच लगा हुआ था, फिर भी वे घुस गए। हमलावरों ने घर के सभी कमरे चेक किए। जिस कमरे में विकास अपने परिवार के साथ सोया हुआ था, उस कमरे का दरवाजा बंद मिला तो कुल्हाड़ी और गंदासियों से तोड़ दिया। आवाज सुनकर विकास और पत्नी बच्चे जाग गए। हमलावरों ने कमरे में दाखिल होते ही विकास पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। घायल विकास अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ा। जैसे ही वह बाहर आया तो पीछे से एक हमलावर ने लाठी मारकर उसे सड़क पर गिरा दिया, फिर उसे बीच सड़क पर डेडल पार्क के पास काट दिया। विकास के शरीर और गर्दन पर तेजधार हथियार से वार के निशान हैं।